जिस दिन आप सेवा करते हैं आपके स्वर्गदूत बढ़ते हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल जब बढ़ता है आपके एंजल्स की गिनती और उनका लेवल बढ़ता है। अगर किसी मोहल्ले में किसी बंदे ने आना हो तो वहां पे एसएचओ की ड्यूटी लग जाती है। और अगर एरिया में एमएलए ने आना हो तो डीएसपी की ड्यूटी लग जाती, एसएसपी की ड्यूटी लग जाती, मंत्री ने आना हो तो उसके ऊपर, मुख्यमंत्री ने कहीं जाना हो तो डीजीपी को सारा मालूम होता है, हाँ या ना? उनके रैंक के हिसाब से उनको सुरक्षा दी जाती। आपका स्पिरिचुअल रैंक जब बढ़ता है आपके एंजल्स की गिनती और उनका रैंक भी आपकी लाइफ में बढ़ता है। कुछ एंजल्स वो नहीं कर सकते जो दूसरे एंजल्स कर सकते हैं। बाइबल में लिखा स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे और जो पहले उतरता था वो असाइनमेंट वाले स्वर्गदूत है, हीलिंग असाइनमेंट, सुरक्षा असाइनमेंट, मिरेकल्स के काम करने की असाइनमेंट्स, वो आपको सुरक्षा, आपको होली स्पिरिट सब काम करता है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनना। स्वर्गदूत की एक कंप्लेंट है कि अगर आपको ये मालूम नहीं कि स्वर्गदूतों को किस तरह से एक्टिवेट करना है, आप अपनी सेवकाई में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले पाते। आपका बोला गया एक नेगेटिव शब्द आपके जारी स्वर्गदूतों की पावर को न्यूट्रलाइज जीरो कर सकता है। वो आपकी लाइफ में काम नहीं करते अगर आपके शब्द नेगेटिव हैं और बिब्लिकल नहीं है। आज जिस बात में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान लगा हुआ है, जिस चीज के लिए, वो मेरी लाइफ में मेरे शब्द हैं। अब मैं उन पे काम कर रहा हूं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। जब स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी पत्नी एक बच्चा जनेगी और तू उसका नाम यहूना रखना, कहता ये कैसे हो सकता है? और स्वर्गदूत को उसके मुंह को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये बात बार बार बोलता रहेगा तो ये अपने मिरेकल को लूज कर देगा और बेबी नहीं होगा। एंजल्स आपके घर में, आपकी लाइफ में निष्क्रिय हैं जब वो आपको इंटरनेट के ऊपर पाप करता हुआ देखते हैं, जब वो आपको झूठ बोलता हुआ देखते हैं, जब वो आपको डरा हुआ देखते हैं, वो काम नहीं करते। एंजल्स बिब्लिकल भाषा को सुनते और समझते और फॉलो करते हैं। एंजल्स अट्रैक्ट होते हैं जो जो बंदा बिब्लिकल भाषा को अपनी जिंदगी के आम दिनों और अपनी जिंदगी के नॉर्मल रूटीन में यूज करता हो। स्वर्गदूत इस भाषा को समझते हैं। एक काम आप करना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, आपके स्वर्गदूत फिर आराम से आपने बिठा दिया उनको। और जब आप बोलेंगे नहीं ये होगा, खुदावंद करेगा, उन स्वर्गदूतों को पता है ये मेरी असाइनमेंट है, मुझे करके देना है। ये अपनी लाइफ में आज पल्ले बांध के जाओ कि जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं, आप अपने दोस्त से बात करते हैं, अपनी पति से बात करते हैं, अपने घर से बात करते हैं, अपने चर्च से बात करते हैं, स्वर्गदूत आपको सुनते हैं, आपकी लैंग्वेज को वो सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि स्वर्गदूतों के कारण, यानी वो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, जब वो तुमको बाइबल तोड़ता हुआ देखेंगे वो ना खुश होंगे, क्योंकि वो तुम्हें दिए गए, वो आपकी पर्सनल
सुरक्षा गार्ड है वो आपका, आपका पीएस है वो, हाँ आपका वो पुलिस ऑफिसर है खुदा ने जो आपको दिया। ये फेल हो सकती धरती वाली, वो नहीं फेल होते कभी। पॉलुस कहता है कि स्वर्ग दूतों के कारण, यानी जो स्वर्ग दूत तुम्हारे साथ हैं, वो कहता है मेक श्योर करना लेडीज जेंटलमैन जो भी तुम हो, भाई हो बहन हो, कि तुम वचन को मत तोड़ना, क्योंकि जो एंजल स्वर्ग दूत के कारण उचित है, यानी स्वर्ग दूतों की प्रेजेंस तुम्हारे साथ है हर टाइम। हालेलुया। जब वो ब्रेक होगी तो वो तुम्हारे लिए फिर अच्छा नहीं। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? मैं आपको बोला हूं, लाखों दूतों की फौज परमेश्वर ने रिलीज की आप लोगों के लिए। हालेलुया। आपने ये वचन सुन लिया, मेडिटेट करना लाइफ को कंट्रोल में, खासकर शब्दों को कंट्रोल में। मेडिटेट, शब्द कंट्रोल, मेक श्योर आप जो महसूस कर रहे हैं वो नहीं बोलें, विश्वास के शब्द बोलें, ताकि आपके एंजल्स जो आपके साथ हैं वो एक्टिवेट रहें। इमेजिन करो, कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद क्यों नहीं होते? आपकी चर्च में सीखने वाली बात है। उनके शब्द हैं, मुझ पे जादू टोना कर देते हैं, मैं बॉन्डेज के अंडर हूं, मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, और जैसे जैसे वो बोलते हैं कभी आजाद नहीं होते। बिब्लिकल लैंग्वेज क्या है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का सारा अधि, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि, तू सिंह और सांप को कुचलेगा, जवान सिंह और जिगर को लताड़ेगा, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। कहां है हमारे वर्ड्स? जिन चीजों को आप बोलेंगे नहीं, वो चीजें एक्टिवेट कभी नहीं होंगी। स्वर्गदूत उनको एक्टिवेट करते हैं पावर से, जो पवित्र आत्मा की ताकत है, लेकिन जब वो नेगेटिव रिलीज होती हैं चीजें, वो आपकी लाइफ में ऐसे ही रहते हैं। हर रोज बोलना है, मेरा चर्च जबरदस्त रीति से ग्रो करने वाला है। हर रोज बोलना है, खुदा का फेवर आज मुझ पे आएगा। रोज बोलना है, रोज, एवरी डे।